आज दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कुट्टी की घिसाई होती है, घिसाई कैसे करते हैं। क्योंकि अगर घिसाई में अगर हम कमी छोड़ देते हैं तो जितना मर्जी लग्जरी का मशीन हो चाहे कितना महंगा भी पेंट हो, उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो जो मेन टॉपिक होता है जो घिसाई का करने का, पहले तो देखो हमारे पास है एक ये 180 नंबर एक हमारा बर्जर कंपनी का, इसको बीच में से फाड़ते हैं। ये देखो ऐसे फोल्ड कर दिया मैं, ये देखो इसको ऐसे पत्ती से ऐसे काट लिया। ये ऐसे दो टुकड़े हो जाते हैं और इसके बाद ऐसा इसको फोल्ड कर देते हैं। तो ये हमने पहले ही फोल्ड करके रखा हुआ था, देखो ऐसे। और अब ये देखो ऐसे नहीं कि ऐसे दबा दबा कर ऐसे रगड़ाई करते रहे, तनी नजदीक। अब जैसे जो पुट्टी की ज्वाइंट होती है, अब जैसे इस घर में अभी लाइट नहीं लगा हुआ, जिस घर में लाइट नहीं लगा हुआ उस घर में आपको एक सावधानी रखनी है कि हाथ में लाइट लेना होता है। हाथ में देखो ऐसे तार में वायर में हमने जब वायर में ऐसे हमने बल्ब ले रखा है। अब देखो ये दीवार देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल साफ है। अब देखो नज़दीक से दिखाओ, अब देखो ये दीवार देखो, अब देखो कैसे दिखेगा इसके अंदर। इसी को हम प्लेन करेंगे, ऐसे ऐसे हाथ रख लो और ऐसे ऐसे रख रहे, हल्के हाथ से रगड़ना, ज़्यादा दबा कर नहीं रगड़ना। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना प्लेन हो गया। ऐसे नहीं कि बिल्कुल दबा के एकदम घसाते रहो, ऐसे कहीं पर ज़्यादा घस जाएगा, कहीं पर कम घसेगा, कहीं पर छूट जाएगा। और अगर अपने पास लाइट नहीं है तो ऐसे हाथ लगाकर भी महसूस कर सकते हैं। जो पुट्टी की ज्वाइंट होती है वो हाथ लगाने से ही महसूस हो जाता है कि यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे है। थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए नज़दीक से दिखाओ ज्वाइंट लगा रहे। ये देखिए ये दोस्तों ये ज्वाइंट दिख रहा होगा अगर आपको कैमरे के अंदर, तो इसको देखिए हल्के हाथ से लगाना। देखिए ये दोस्तों ज्वाइंट खत्म हो गया, अब यहाँ पर ज्वाइंट दिख रहा है, ऐसे नहीं दिखेगा, ये नज़दीक से दिखेगा ऐसे। मेन दोस्तों टॉपिक यही था कि जहाँ पर पत्ती का निशान होता है, पुट्टी की ज्वाइंट होती है, उसको ध्यान से रगड़ना होता है। ऐसे नहीं कि पूरी दीवार को घसते रहो, कहीं पर ज़्यादा घस दो, कहीं पर कम घस दो, ऐसे नहीं होता है। जैसे जितना हम बिल्कुल स्मूथली चलाएंगे उतना अच्छी रगड़ाई होगी। अगर ज़्यादा दबा देंगे रेक मार को तो वो थोड़ा इसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे। और होता है जो ये किनारे की हम घिसाई करते हैं, ऐसे नहीं कि इसके ऊपर घस देना, नहीं, अगर इसको एक ऊपर घिसाई कर देंगे ऐसे तो जो किनारे होता है वो गोल हो जाएगा। नजदीक से देखो, अब ये देखो ये है, इसको घसना है, इसको सिर्फ ऐसे, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे घसाई हो गया। अब जो इस तरफ से घस रहा है इसको देखो, ये ऐसे यहाँ से देखो, ये देखो दोस्तों इसको ऐसे। अब ये जो किनारी देखो दोस्तों कितनी अच्छी बन गई है। अगर इसी के ऊपर अगर हमने ऐसे दबा कर ऐसे ही या कुछ ऐसे रगड़ाई कर दिया होता तो ये किनारी गोल हो जाती, जो देखने में बहुत ही भद्दा लगता है, जो पुट्टी की फिनिशिंग को ख़राब कर देता है। जो पुट्टी की फिनिशिंग होती है ये किनारी से ही अच्छी लगती है। बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और भी अगर पेंटिंग के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं, धन्यवाद।